हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड पेमेंट के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्ज़ाम्स MBA CLAT BBA BCOM LLB CA CS नेट स्टूडेंट सारे के सारे कोर्सेज में ये कवर होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एग्ज़ाम्पल के हेल्प से इसको एकदम क्लियर करने का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कुल मिला के हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, कुल मिला के 8 पॉइंट्स हैं, 8 तरीके से चेक की क्रॉसिंग या फिर इफ़ेक्ट होती है, जिसको हम यही कह सकते हैं चेक की क्रॉसिंग इफ़ेक्ट होती है। और जनरली जो चेक होता है वो 2 ही तरीके से क्रॉस होता है, एक होता है जनरली और एक होता है स्पेशली। लेकिन जनरली स्पेशली में इसके अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये पूरे 8 तरीके लिखने पड़ेंगे कि किस तरीके से क्रॉस चेक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं चेक क्रॉस जनरली। व्हेन अ चेक बियरर क्रॉस इट्स फेस ऑन द एडिशन ऑफ द वर्ड एंड कंपनी और एनी एब्रिविएशन देयर ऑफ बिटवीन टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन और टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन सिंपली आइदर विथ और विदाउट द वर्ड नेगोशिएबल दैट एडिशन शैल बी डीम्ड अ क्रॉसिंग एंड अ चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉसिंग जनरली। तो जनरली में क्या होता है कि कोई भी जो बियरर होता है वो ऊपर दो पैरेलल लाइन एकदम लास्ट में चेक में लेफ्ट साइड बना देता है, तो उसको हम लोग जनरली क्रॉसिंग कहते हैं। और उसमें चाहे तो वो एंड कंपनी लिख सकता है अगर वो किसी कंपनी को चेक दे रहा है। ठीक है, और अगर नहीं भी लिखता है तो 2 लाइन अगर खींच गई तो उसका मतलब कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ही पे होगा, वो उसको कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। और नॉट नेगोशिएबल अगर उसमें लिख दिया तो इसका मतलब, जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में बात किया था, कि चेक को भी हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो उस कंडीशन में अब वो चेक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पेमेंट उसी को मिलेगा जिसका उसमें नाम लिखा हुआ है, उसका एजेंट भी उससे पेमेंट नहीं ले सकता। तो जनरली में केवल 2 लाइन ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चेक क्रॉस स्पेशली। व्हेन अ चेक बियरर अक्रॉस इट्स फेस और एडिशन ऑफ इज द नेम ऑफ द बैंकर आइदर विद द वर्ड और द वर्ड नॉट नेगोशिएबल दैट एडिशन शैल बी डीम्ड अ क्रॉसिंग एंड द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस्ड स्पेशली एंड टू बी क्रॉस टू द बैंकर। अब इसमें क्या होता है कि ये स्पेशली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें क्रॉस तो लगाया जाता है वैसे ही, लेकिन इसमें बैंकर का नाम लिखा जाता है, जैसे हमने ICICI बैंक लिख दिया। तो अब इस कंडीशन पे अब उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको भी चेक देंगे उसका ICICI बैंक में अकाउंट होगा, तभी वो उसको पेमेंट निकाल सकता है। तो ये हो गया स्पेशली का। तो साथ ही साथ उसमें ऑप्शन एक और होता है कि वो नेगोशिएबल होना है कि नॉट नेगोशिएबल होना है, कि वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नॉट नेगोशिएबल अगर लिख देता है तो उस कंडीशन में वो चेक आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये पेमेंट उसी को मिलेगा कि जिसके पास वो उस जिसका नाम उस चेक पे लिखा रहेगा और उसका उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्रॉसिंग आफ्टर इशू। व्हेन अ चेक इज अनक्रॉस्ड द होल्डर मे क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो चेक अगर अनक्रॉस है, मतलब अगर आपको खाली नाम लिख के या फिर कोई भी नाम लिख के अगर आपको चेक मिल जाता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि होल्डर जिसको चेक मिला है वो उस चेक को या तो जनरली बना दे या तो उसको स्पेशली बना दे। तो जनरली बनाने का सिंपल सा तरीका, ऊपर 2 लाइन बना दिया, वो जनरली हो गया। स्पेशली में क्या था कि उसने किसी अपने बैंकर का नाम लिख दिया कि हम इस बैंक से इसको
विड्रॉ करेंगे, तो ये भी ऑप्शन होल्डर के पास होता है। व्हेन अ चेक चेक इज़ क्रॉस जनरली देन द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली, व्हेन अ चेक इज़ क्रॉस जनरली और स्पेशली द होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। इसमें क्या बता रहा है कि अगर चेक जनरली है तो उसको जो बैंकर है, जो होल्डर है, वो उसको स्पेशली बना सकता है उसमें बैंकर का नाम लिख के। और साथ ही साथ जब कोई चेक, मान लीजिए इसमें ये बता रहा है कि जनरली हो चाहे स्पेशली हो, वो चाहे तो अपने से नॉट नेगोशिएबल उस पर लिख सकता है, मतलब वो चेक और किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब ये जो हम राइट्स पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं होल्डर की राइट्स। अगर उसको मिल गया एक सिंपल चेक, तो उस चेक में वो क्या क्या कर सकता है। व्हेन अ चेक इज़ क्रॉस स्पेशली द बैंकर टू होम इट इज़ क्रॉस मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर हिज एजेंट और कलेक्शन। अब ये देखिए, ये एक नई चीज़ है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई एक चेक स्पेशली क्रॉस करके दिया गया है, मतलब किसी ICICI बैंक का चेक है, तो ICICI बैंक चाहे तो उसको दूसरे बैंकर को स्पेशली क्रॉस करके दे सकता है। ठीक है, जनरली ये पहले के टाइम्स में बहुत ज़्यादा चेक का होता था, क्योंकि उस समय फ़ंड का इशू बहुत होता था। अब तो बैंक के पास फ़ंड के इश्यूज होते नहीं हैं, तो ऐसे केसेस होते नहीं हैं। लेकिन अब लॉ में, अब 1881 का लॉ है, तो इसलिए हमको सब पढ़ना पड़ता है और इसके क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको ये बहुत डीप, इसीलिए मैंने बताया ना कि ये आपको एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अब ICICI बैंक को फ़ंड की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, उस चेक को फॉरवर्ड कर दिया आप पंजाब नेशनल बैंक के पास या फिर एक्सिस बैंक के पास। तो मतलब अगर स्पेशली वाला चेक है, मतलब अगर बैंकर का नाम लिखा हुआ है, तो बैंकर चाहे, मतलब बैंक चाहे तो दूसरे बैंक को वो इंडोर्स कर सकता है, मतलब उसका नाम लिख के उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली व्हेन, अब पेमेंट की बात करेंगे, वो सारे उतने पॉइंट्स पूरे हो गए, अब पेमेंट की बात होगी कि पेमेंट कैसे होता है। व्हेन अ चेक इज़ क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन होम इट इज़ ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू द बैंकर। तो मतलब जिस भी बंदे के, जिस भी बैंक, अगर मान लीजिए उसमें जनरली करके, मतलब जनरली मतलब समझ ही गए, दो लाइन अगर ऊपर बना हुआ है, तो ये उसी आदमी के अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, दूसरे किसी के अकाउंट में ये पैसे नहीं जा सकते, क्योंकि वो अकाउंट पे ही हो चुका होता है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली व्हेन अ चेक इज़ क्रॉस स्पेशली द बैंकर ऑन होम इट इज़ ड्रॉन शैल नॉट बी पेबल इन अदरवाइज देन टू द बैंकर टू होम इट इज़ क्रॉस्ड और हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। इसमें क्या है कि अगर चेक स्पेशली बना दिया गया, तो उस कंडीशन पे अगर कोई कंज्यूमर, कोई कस्टमर है, वो अगर अपने बैंक में जमा कर रहा है, मान लीजिए उसका अकाउंट ICICI बैंक में है और एक्सिस बैंक में है, तो अगर उसमें ICICI बैंक लिखा गया है, तो उस कंडीशन पे उसको जो पेमेंट ICICI बैंक ही करेगी, एक्सिस बैंक उसको पेमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख गया है। ठीक है, अब है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। When a check is crossed especially to more than one banker, except when crossed to an agent for the purpose of collection, the banker on whom it is drawn shall refuse the payment. अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी एक नया केस है कि मान लीजिए अब चेक जो क्रॉस हुआ है वो दो बैंकर्स के नाम हुआ है, तो उस कंडीशन पे उसको एजेंट कलेक्ट नहीं कर सकता, उस चेक को वो दो बैंकर ही कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया ना, ये सब पहले के टाइम्स में हुआ करता था कि दो, अब एक ही चेक है, दो बैंकर के नाम वो क्रॉस कर दिया गया है, तो उस कंडीशन पे आप चाहिए कि एजेंट से पैसा मंगा ले, तो आप एजेंट से पैसा नहीं मंगा सकते, अब वो दोनों बैंकर को ही पेमेंट होगा। चेक इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस चेक व्हेन अ बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन
has paid the same in due course, the banker's paying the check and due has come to the hand of the payee, the drawer thereof shall respectively to entitled to the same right and be placed in the same position in all respect as they would respectively be entitled to and place in if the amount of the check has been paid to and received to true owner. अब इसमें ये क्या बता रहा है, आप पहले आप समय आपको ड्यू कोर्स पता ही होगा. ड्यू कोर्स क्या होता है, जैसे अब चेक 3 महीने का दिया हो गया है, ठीक है, 3 महीने के पहले ही हमने अगर चेक किसी को इंडोर्स कर दिया है तो उस कंडीशन में इसमें ये बता रहा है कि जिसको भी हमने चेक इंडोर्स किया है, जिसको भी चेक दिया है, अब उसके पास राइट होता है, उसके पास राइट होता है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब जो भी डेट दिया गया है उसमें 3 महीने के अंदर अंदर उसको आपस में किसी को भी नेगोशिएट कर सकता है, मतलब किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है. और उसके पास जब वो उस चेक का पेमेंट भी कर सकता है. अगर कोई बंदा उस चेक का पेमेंट कर दे रहा है तो उस कंडीशन पे उसके पास ओनर जैसी राइट आ जाती है, मतलब वो अब चाहे तो उस चेक में कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि उसने उस चेक का पेमेंट कर दिया. तो ये है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, कि एक पर्टिकुलर समय तक का समय दिया गया है कि चलो आज से लेके मैंने 2 महीने का चेक दे दिया, ठीक है. जैसे मान लेते हैं 1 जून को मेरे पास किसी को पेमेंट के लिए आया तो मैंने जून नहीं करके जुलाई लास्ट का पेमेंट दे दिया, तो 1 जून से लेके जुलाई लास्ट तक वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाएगा. उस पर्टिकुलर समय में जिस किसी को भी चाहिए वो चेक उसको मतलब नेगोशिएट करा सकता है. जैसे मैंने अपने किसी सप्लायर को पेमेंट किया 1 जून को, और मैंने उसको कहा कि आप पूरा जून नहीं, पूरा जुलाई लास्ट में पैसे निकालेंगे, तो 2 महीने का समय मैंने उनसे ले लिया. अब उनको पेमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो उस चेक को अपने किसी भी क्रेडिटर को, अपने किसी भी सप्लायर को वो दे सकते हैं, और वो जो सप्लायर है वो अब एक ओनर की तरह काम कर सकता है. उस जैसे ही उसको चेक मिलेगा, मतलब उसे उसका पेमेंट मिल गया, अब वो चाहे तो वो भी आगे उसको फॉरवर्ड कर सकता है. यही खासियत है चेक की, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है, आप इसको आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स. अब है ड्यू कोर्स, मतलब 2 महीने का टाइम बीत गया, अब क्या होगा. एनी बैंकर पेइंग अ चेक क्रॉसिंग जनरली अदरवाइज देन अ बैंकर और अ चेक क्रॉस स्पेशली अदरवाइज देन टू द बैंकर टू होम द सेम इज क्रॉस्ड और हिज एजेंट फॉर द कलेक्शन बीइंग अ बैंकर शैल बी लाइबल टू द ट्रू ओनर टू द चेक ऑफ एनी लॉस ही मे सस्टेन ओइंग टू द चेक हैविंग बीन सो पेड. इसमें क्या बता रहा है कि ड्यू कोर्स का टाइम बीत गया, ठीक है, वो टाइम बीत गया तो उस कंडीशन पे अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस कंडीशन में जिसका भी डैमेज होगा वो ट्रू ओनर, मतलब जिसने चेक डिज़ाइन किया, जिसने चेक ड्रॉ किया है, उससे वो पेमेंट लेगा, ठीक है. मतलब अब यहाँ पे ड्यू कोर्स के पहले तक जो चेक दे रहा है वो लाइबल हो है किसी भी डैमेज को पे करने के लिए, लेकिन ड्यू कोर्स के बाद अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन पे जो भी लाइबिलिटी बनेगी वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी ट्रू ओनर की बनेगी, क्योंकि उसके वजह से ही वो बाउंस हुआ, क्योंकि उसने रिफ्यूज़ किया पे करने से. तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा. नेक्स्ट, चेक बियरिंग नॉट नेगोशिएबल. अ पर्सन टेकिंग अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली बीइंग इन आइदर केस व्हाट नॉट नेगोशिएबल शैल नॉट हैव एंड शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ गिविंग अ बेटर टाइटल टू द चेक दैट विच द पर्सन फॉर फ्रॉम होम ही टुक इट हैड.
इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चेक में नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा गया है तो उस कंडीशन पे उस चेक को हम किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब नॉट नेगोशिएबल हो गया है। तो वो जिसके पास वो चेक है, जिसका नाम उस चेक पे लिखा है, केवल उसी को पेमेंट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है या फिर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम लोग उसमें उसका रिप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ आपको और कोई वीडियोस चाहिए, कोई टफ टॉपिक है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके वीडियोस भी आपके लिए बना देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।